आज सबसे पहले आपको सत्ता के नशे में चूर रहने वाली सोच के खिलाफ दस्तक देनी है। उस घटना के बारे में आज सबसे पहले आपको दस्तक देनी है जो न केवल शर्मनाक है बल्कि अमानवीय है, नीचता की पराकाष्ठा। मध्य प्रदेश के सीधी के विधायक हैं केदारनाथ शुक्ल। इनके जनप्रतिनिधि का नाम है प्रवेश शुक्ला। वो प्रवेश शुक्ला जो सीधी जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष चुना जाता है, जिसने एक आदिवासी युवक के साथ जो कुछ किया है उसे कहना भी शर्मनाक लगता है। जहां मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए, लेकिन पूरी घटना बताती है कि आदिवासी समाज के उत्थान कल्याण की बातें राजधानियों से कही तो जाती हैं, लेकिन फिर कोई सत्ता के नशे में रहने वाला प्रवेश शुक्ला उन सबको शर्मनाक तरीके से बहा देता है। शर्म नहीं बल्कि घिन आ जाए ऐसे व्यक्ति को देखकर जो अपने नाम, अपने पद, अपनी धौंस, अपने रुआब, अपनी बेशर्मी की ऐठन में नीचे बैठे बेबस गरीब आदिवासी युवक पर पेशाब करता दिखता है। नाम है प्रवेश शुक्ला और पद है इसका मध्य प्रदेश के सीधी में विधायक केदारनाथ शुक्ला का विधायक प्रतिनिधि, जो आदिवासी युवक पर सीना तान कर असभ्यता और सामाजिक भेद की क्रूरता दर्ज कराता नजर आता है। प्रवेश शुक्ला नाम का यह अपराधी सिर्फ एक आदिवासी युवक पर पेशाब नहीं कर रहा, समाज के भीतर सियासी ताकत के दम पर कुछ भी कर डालने वाली सोच का प्रदर्शन करता है। समाज के भीतर आजादी के 75 वर्ष बाद भी गहरी जड़ें जमाए हुए गरीब आदिवासी समाज को पैरों की धूल समझने वाली घटिया बजबजाती लिजलिजी सोच को जाहिर करता है, दिखाता है कि आदिवासी कल्याण की बातें राजधानियों से जो कही जाती हैं वो सीधी जैसे इलाकों तक आकर टूट जाती हैं। बातें आखिरी व्यक्ति तक सामाजिक एकता और संपन्नता की भी अधूरी हैं। वीडियो वायरल हुआ, मुख्यमंत्री ने तुरंत एक्शन लेने की बात भोपाल से कही, लिखा ट्विटर पर ही गिरफ्तार करो, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करो। सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हुआ है उसको न केवल जो है संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें जो है दिशा निर्देश भी जारी हुए हैं। फिलहाल पुलिस के द्वारा इसमें जो है अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और अपराध पंजीबद्ध करने के साथ साथ में इसमें जो है आरोपी को पकड़ के लिए जो है टीम भी रवाना की गई है। जहां तक कड़ी से कड़ी कार्रवाई है तो इसमें जो है आरोपी के जिस प्रकार का कृत्य उन सभी परिस्थितियों के आधार पर इसमें एनएसए की भी कार्रवाई उसका भी प्रिपरेशन किया जा रहा है। मैडम आरोपी के घर में कोई बुलडोजर की भी कार्रवाई की जाएगी? देखिए भविष्य की बातें हैं, अभी तो वर्तमान में जो है विवेचनाधीन है और इसके हाथ में जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई जिसमें कहा जाएगा जैसे कि जिस प्रकार से दिशा निर्देश जारी हुए हैं तो निश्चित रूप से जो कृत्य उसके आधार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही। लेकिन यकीन मानिए अगर ये वीडियो ना होता, वीडियो वायरल ना होता तो प्रवेश शुक्ला की किसी के सम्मान, स्वाभिमान और व्यक्तित्व का कत्ल कर देने वाली करतूत पर कार्रवाई की बात तक ना हो पाती। ये क्यों कह रहे हैं इसकी वजह सुनिए। ये हैं केदारनाथ शुक्ला, सीधी से बीजेपी के विधायक हैं। आरोप है कि इन्हीं का जनप्रतिनिधि है प्रवेश शुक्ला, लेकिन बीजेपी विधायक खारिज करते हैं इन आरोपों को। आपका प्रतिनिधि है या नहीं प्रवेश शुक्ला? नहीं है, नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर ये पोस्टर है, इस पोस्टर पे वो साफ कह रहा है कि वो आपका प्रतिनिधि है। सोशल मीडिया पर किसी ने डाल दिया, सारी सोशल मीडिया का खंडन संभव नहीं होता, सबका मेरे द्वारा देखना संभव नहीं होता, लेकिन वह मेरा प्रतिनिधि। देखिए एक विधायक को तीन प्रतिनिधि नियुक्त करने के अधिकार है। जिला पंचायत में हमारे सुमंत द्विवेदी प्रतिनिधि हैं, जनपद पंचायत में उमाशंकर यादव हमारे प्रतिनिधि हैं और नगर पालिका में दिनेश गुप्ता हमारे प्रतिनिधि हैं। इसके अलावा मेरा कोई प्रतिनिधि नहीं। देश में हो रहे अपराधों पर नजर रखने वाली एनसीआरबी का डाटा कहता है कि मध्य प्रदेश देश भर में आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार के मामले में नंबर एक पर है। आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में रोजाना आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार के कम से कम 7 मामले दर्ज होते हैं। इसी मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला अमानवीय हरकत करने वाले प्रवेश शुक्ला से भले ही अपने रिश्तों को नकार रहे हों, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही कहानी बताती हैं। प्रवेश शुक्ला जनप्रतिनिधि विधायक का नहीं तो फिर बीजेपी विधायक के पास बैठकर ये प्रवेश शुक्ला क्या कर रहा है? अगर विधायक जी की बीजेपी से इस प्रवेश शुक्ला का नाता नहीं तो फिर इसकी ऐसी पोस्ट क्यों, जहां ये खुद को विधायक प्रतिनिधि लिखकर बीजेपी एमएलए के बेटे की लंबी उम्र की कामना करता है। प्रवेश शुक्ला आदिवासी युवक पर पेशाब करेगा तो पल्ला झाड़ेंगे और बाकी विधायक जी के बेटे के साथ उसकी तस्वीरें रहेंगी। तस्वीरें सत्ताधारियों के साथ है। क्या उसी रसूख और ताकत की धार में अंधा होकर ये प्रवेश शुक्ला आदिवासी युवक के साथ अमानवीयता करता है?
इतना गंदा घिनौना दृश्य मध्य प्रदेश के शांति का टापू माने जाने वाला प्रदेश शिवराज चौहान के राज में इस तरह के घिनौने कृत्य हो रहे हैं, ये आश्चर्यजनक है। सीधी जिले का एक बीजेपी का नेता, वो एक गरीब असहाय के ऊपर, आदिवासी बताया जा रहा है, आदिवासी है, उस पर पेशाब। प्रवेश शुक्ला कितना नीच और अपराधी किस्म का व्यक्ति है उसका सबूत देता ये हलफनामा है। दावा है कि 10 दिन पुराने अपराध के वीडियो के बाद खुद को सजा से बचाने के लिए बीजेपी विधायक के जन प्रतिनिधि ने आदिवासी युवक से झूठा हलफनामा तक बनवा लिया, जिसमें खुद को बेगुनाह बताते हुए बीजेपी विधायक के जन प्रतिनिधि ने जनता के साथ किए गए इस दुष्कृत्य को साजिश लिखवा दिया और लिखवा दिया इस हलफनामे पर कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। और सुनिए अब सीधी के बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला को, जिनसे संवाददाता रवीश पाल सिंह पूछते हैं कि क्या अब आप कहेंगे कि चले बुलडोजर प्रवेश शुक्ला के घर पर? बुलडोजर चलेगा नहीं, जो भी कार्रवाई की जा सकती है वो सब कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं बुलडोजर के मामले में इस तरह से बताता हूँ, अगर उसका घर सार्वजनिक उसमें सरकारी जमीन में नहीं है तो कैसे बुलडोजर चल जाएगा? अगर उसका पैतृक घर है, उसके पास तो स्वयं का घर नहीं है, उस पैतृक घर में रह रहा है और पैतृक रूप से वो अपने बाप के घर में रह रहा है, उसके बाप का बाप का बाप का बाप। आपके मुख्यमंत्री तो कहते ही हैं कि बुलडोजर चलेगा जब कभी भी ऐसा कुछ गलत होगा। नहीं, अगर बुलडोजर चलेगा, अगर अवैध रूप से कहीं रह रहा होगा तब ना। प्रवेश शुक्ला सजा पाएगा, भरोसा है कि इसकी हरकत की वजह से इसके घर भी प्रशासन का बुलडोजर सरकार भेजेगी। लेकिन जरूरी है कि सिर्फ एक प्रवेश शुक्ला को उसके घिनौने अपराध की सजा कानूनी तौर पर ही ना दी जाए, बल्कि एक नजीर पैदा की जाए। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।